हमारा हाल ही लिया, हमारा जमीन ले लिया और
नेता लोग ने बनाया है, ये हम लोग के लिए नहीं बनाया है। ये सिस्टम उन्होंने बनाया है वोट बैंक का, राजनीति के लिए, राम के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए। हमारा टीपरा था वो झूठ बोलकर इलेक्शन के पहले सब लोग बड़ा बड़ा वादा करता था। इलेक्शन खत्म, कोई टीपरा था के बारे में बड़ा नहीं। इलेक्शन के टाइम हम लोग को अपने अधिकार चाहिए। क्या बोला रेगा पीछे चलने से पहले कोई आगे बोलेगा स्मार्टफोन लेना, कोई बोलेगा अरे डिजिटल आपने ना आपने आठ ले लें दस ले लें ठीक है लेकिन झूठ बोले झूठ बोले झूठ बोले क्या झूठ। आप सब एमएलए अगर तलाम में चुप है तब पास हो गया क्यों? पॉलिटिक्स, राजनीति, वोट बैंक। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ किसने विरोध किया? हम सब ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट कौन गया पता कर लिया? गोपाल रह गया। क्यों? क्योंकि अब राजनीति पे और ये नेता पर मुझे विश्वास नहीं। हिंदुस्तान का संविधान हमारा रक्षा करता है, हम खुद का इंडिया नहीं देता है, संविधान नहीं देता है इंडिया का। हमारा खुद का नेता, हमारा खुद का एमएलए, हमारा खुद का एमडीसी, हमारा खुद का एमपी सबको मौका देता है। आपने त्रिपुरा में 1940 में ईस्ट पाकिस्तान वोटर की जमीनों था, वहां में अकाल हुआ, अकाल महाराजा ने आने दिया। 1946 में नॉर्थ हाली में दंगा हुआ। हमारा हिंदू बंगाली को मारा गया, महाराजा ने बोला आ जाओ। 1948 में कंचन प्रभात देवी नाम कंचनपुर क्यों? कंचन प्रभात देवी ने कंचनपुर में स्वास्थ्य कमेटी को जगा दिया, शरणार्थी को जगा दिया। आज वही कंचनपुर में गुबाबरा को धमकी देता है, कंचनपुर अपने हाथ ले हमें काला झंडा दिखा रहे हैं। वही कंचन प्रभात देवी ने जगा दिया। नो प्रॉब्लम। 1956 में हिंदुस्तान का सरकार ने नॉर्थ हाली में फिर से जब दंगा हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने शरणार्थी को मारा। 65 में रखा, 1971 में रखा। आज दिल्ली का सरकार बोल रहा है फिर से रखो। त्रिपुरा जिससे लाख लाख शरणार्थी को रखा है आप बोलता है फिर से रखो, और दूसरा राज्य जिससे एक शरणार्थी को नहीं रखा, एक हिंदू शरणार्थी को नहीं रखा, उनको आपने बिल में लिखा है आपका रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आपको रखने की कोई दरकार नहीं है त्रिपुरा रखेगा, आसाम रखेगा, मेघालय रखेगा, आपको दरकार नहीं है, आपको हमें छोड़ दिए। क्यों? एकता क्यों है? वहां में एकता है, यहां में हम लोग का एकता नहीं है। हम लोग कांग्रेस, बीजेपी, आईपीएफ, सीपीएफ, आईएमपीटी है, टीपरा सा नहीं। टीपरा सा जिस दिन एक होगा, जिस दिन टीपरा सा एक होगा सरकार भी हमको सुनेगा। एक उदाहरण देता कंचनपुर में हमारा उनको 23 साल तक कैंप में रखा गया। 23 ईयर मतलब नहीं है,
हमारा फूल को आपने कैंप पे रखा। दिल्ली में कांग्रेस स्टेट में सीपीएम एमपी पश्चिम मंत्रिया लेकिन अपना दिया हमारे किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो बीजेपी सरकार अक्टूबर का महीना में माइन बंद कर दिया, चीनी बंद कर दिया, गन्ना बंद कर दिया, एक किलो चावल नहीं भेजा अपना भूलो को, लेकिन जिस दिन देव वर्मा जमा किया सोलोय काइसेन रामपाल नोआकिया मूला सिंह रूपिनी सब एक होकर बोला कि चकमा मौत एक होकर बोला कि हमको अपना ज्ञान को त्रिपुरा में रखना है। वही सरकार जो आपको एक किलो भात नहीं दे रहा था वही सरकार ने दिल्ली से 600 करोड़ रुपया आपको दिया। 600 करोड़ रुपया क्यों था? और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी को हराना है।
लेकिन मैं अनुरोध करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं हमारा Thank you.
कल तो गया था, उससे पहले मैं थम चला गया। थम चला में पता करने का प्रोग्राम, थम चला नाम थम पीके तो कल वहां में मैंने साइन बोर्ड लगाया तैयारी मैदान, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है। हम लोगों की अपना आधार है, अपना अस्तित्व ठीक करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो पंडित नहीं है, जो सैकड़ बदल रहे हैं, जो गुरु बदल रहे हैं, चला है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सिर्फ एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको घोषित कराना है। हम लोग का टाइम तो गया, लेकिन यहां में जो हम लोग जरूर गए, हम लोग सैकड़ लगते हैं, ठीक है, चला आपको घोषित कराना है। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अगर आपको भविष्य नहीं रहेगा तो टीका लगेंगे, और दोबारा भी ये बात मत करना, क्योंकि दोबारा का एक ही सिद्धांत इसके बाद पता लगाइए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं जो पता लगे आप सुनिए, और ये भाषण एक बार रिपीट करने के बाद नहीं होगा। यहां मैंने चाकू को देखा है, गांव को देखा है, बीमारी को देखा है, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं अपने बीमारी कि हम आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन नहीं, आपका खुद का नेता हो जो बोल रहा है कि बाबरा कोई नहीं है, कोई हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम इंडिया का संविधान का आदर करते हैं, लेकिन जो इंडिया जो सत्ता दुमुर करता है, दुमुर से अपना नुआखिया रिया जमातिया को बाहर करता है, जो इंडिया हमको अपना अधिकार नहीं देता, वो इंडिया का सरकार अगर हमको अधिकार नहीं देता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान, और हर चीज राजनीति से नहीं हो, हर चीज राजनीति से नहीं हो, कुछ कुछ चीज सुप्रीम कोर्ट लागू की चिंता है। राम जन्मभूमि कहां से मिला, कहां से मिला, सुप्रीम कोर्ट, 500 साल लगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हम तो 70 साल से हैं, और 70 क्या और 20 साल लड़ना पड़ेगा अपना हार लिए, तो कुमार लड़ने के लिए लड़ने के लिए।